मेरा भाई 15 साल से किडनी का मरीज है। इस भाई को डायलिसिस चल रही है 2 साल से, और इस भाई को मैं आप मन बनाकर और किडनी दान देने का एक योग बनाया, और मेरे परिवार बहू बेटा मेरा पति सब मिलकर बनाकर फिर भाई को जीवन दान देने के लिए तैयार हूँ, और भाई को जीवन दान दे दिया, और भगवान भाई की बड़ी उम्र लंबी करे। सभी को नमस्कार, मैं सोनलाल चौहान श्रीगंगानगर से बिलोंग करता हूँ। 2011 से मैं किडनी का मरीज हूँ, और लास्ट ईयर 2021 29 मार्च को मेरा पहला डायलिसिस हुआ था। तब से हफ्ते में 2 डायलिसिस करवा रहा हूँ मैं लगातार, और 8 अगस्त 2022 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और मेरी सिस्टर ने मेरे को किडनी डोनेट किया, और जो ऑपरेशन की टीम थी उसमें श्याम सुंदर जी, ज्योति बंसल जी और जितेंद्र गोस्वामी जी, अन्य डॉक्टर और उनका स्टाफ बड़े अच्छे तरीके से मेरा ऑपरेट किया। हम दोनों स्वस्थ हैं, मेरी किडनी भी प्रॉपर काम कर रही है। ऑपरेशन से पहले गिरिराज शर्मा ने हमें बड़ा सहयोग किया, उनकी बदौलत ही ये आज ऑपरेशन हुआ है। और अगर स्टाफ की बात करूँ तो स्टाफ पूरा ही काबिले तारीफ है, और हमारा पूरा इन्होंने सहयोग किया, पूरी सेवा की आज तक। और एक आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किडनी का ट्रांसप्लांट कराना हो या और भी कोई ट्रांसप्लांट कराना हो तो मणिपाल हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है, आप आइए, यहाँ सभी सहयोग करेंगे। और रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पर्व पर वैसे तो भाई बहन को गिफ्ट देता है, लेकिन बहन ने भाई को गिफ्ट दिया है और मेरा जीवन बचाया है, भगवान इनकी लंबी उम्र करे। और पुनः सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।